छत्तीसगढ़ी का क्लास मेरा नहीं है, इंग्लिश का मेरे ऊपर डिपार्टमेंट दिया गया है। ये सब है वर्ड ऑफ द डे, ठीक है, वर्ड्स ऑफ द डे। आज का है पूरा, कल मेरे को चाहिए, सबसे याद होना चाहिए, इससे पूछूंगा और बताएगा, ठीक है। तो पहले क्या लिखा था, एक्सेंट का मतलब क्या बोला, बोली जो बोलचाल की भाषा होती है, पढ़ते क्या होगा जरूर ध्यान देना, ठीक है। देखो कई बार से बेवकूफ बन जाते हैं कि क्या पढ़ना है, पढ़ने नहीं आ रहा है, गलत गलत पढ़ रहा है, ठीक है, एक्सेंट, ठीक है। और जब भी गूगल सर्च करते हो कुछ नया वर्ड मिलता है ना, तो वहां पे सर्च कर लिया करो, बोल के भी बताती है गूगल तो आजकल, लेकिन क्योंकि खोजने से ठीक है। दूसरा क्या है, एक्सेंट, ठीक है, एक्सेंट मतलब अनुमति और अप्रूवल, याद रहेगा ना, ठीक है। तो हो गया। तीसरा क्या था, टेनेबिलिटी, टेनेबिलिटी का मतलब ड्यूरेबिलिटी, ये दो इसके साथ ये भी याद रखना है, क्योंकि ये अगर याद रहेगा तो ये याद रहेगा। इसके बाद है चौथा, स्पेक्युलेशन, देखना इसको तोड़ तोड़ के पढ़ना पड़ा था हमेशा, पढ़ने से आसान होता है, जैसे इसको ना छोटे छोटे वर्ड में बात कर देना तो पढ़ना आसान हो जाए, इसको सिलेबल कहते हैं, क्या कहते हैं, जो छोटे छोटे वर्ड में बात के पढ़ते हैं उसको कहते हैं सिलेबल। तो ये स्पेक्युलेशन, स्पेक्युलेशन, ठीक है ना, पढ़ लेते ना, इसको हम सीनों ने इसका याद रखना, गेज करना या फिर अनुमान लगाना, कितने हो गए, चार। पांचवा है हमारे पास निम्बली, निम्बली का मतलब होता है क्या, रेडीली, मतलब हमेशा तैयार रहना, ठीक है, जल्दी से, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, वर्ड हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देख लेते हैं। देखो इसमें पहला क्या देखिए, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ठीक है, जो जीवाश्म का अध्ययन कर, जो जीवाश्म का अध्ययन करते वो नहीं, यहाँ पे क्या है, जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पैलियोन्टोलॉजी, ठीक है। पढ़ लोगे की लिख दो हिंदी में भी, ठीक है। इसके बाद है अ पर्सन रिप्रेजेंटिंग अ स्टेट इन अ फॉरेन कंट्री, यहाँ पे स्पेलिंग याद रखना, जो दूसरे देश में किसी देश को रिप्रेजेंट करता है उसको एम्बेसडर कहते हैं, स्पेलिंग को याद रखना, पूछता है एग्जाम, ठीक है। अब तो रीजनिंग में ऐसा भी पूछ देता है ना कि सारे वर्ड्स को ना इधर जंबलिंग कर देगा इधर उधर, और बोल देगा कि इसको क्या बना सकते हैं, मीनिंगफुल वर्ड क्या बनाया जा सकता है, ऐसा भी पूछ देता है तो पता ही चलेगा, ठीक है, एम्बेसडर है। इसके बाद तीसरा है चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, उसको क्या कहते हैं, ऑर्फन, अनाथ, और अनाथ वाले पर क्या हो जाता है, ऑर्फनेज, ऑर्फनेज, ठीक। इसके बाद चौथा, वन हुज अगेंस्ट द रिलीजन, जो किसी धर्म के विरुद्ध होता है उसको हम क्या कहते हैं, हेरेटिक, या फिर सॉरी हेरेटिक क्या, उन्हीं धर्म ही कहते हैं। और पांचवा है वन हु इट्स ह्यूमन फ्लेश, जो मनुष्य का मांस खाता है उसको क्या कहते हैं, नर भक्षी या कैनिबल, क्या कहते हैं, कैनिबल, ठीक है। आज के लिए इतना इंग्लिश पर्याप्त है, चलो ठीक है।